सब हमनी के लोकल बनी जा और लोकले से हमनी के जितावल जा लोकल ही लोकल है लोग कहत कि महाराजा साहब के भेंट करे के बहुत यहां के हमनी के नजदीक बानी। तुमरा विधानसभा में क्यों नए चेहरे दिख रहे हैं, क्या उम्मीद है? ये समय चेंज का है, समय जो हुआ था जो पुराने नेता हैं वो भी तो प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोगों का आगे बढ़ने का मौका मिला है। हम उस परिवार से हैं जो यहाँ का हमेशा से रहा है, ये तो आजकल के नेता लोग अभी आए हैं, हम लोग तो सदियों से यहीं, पूर्वज हमारे यहीं के। ये नया चेहरा हमारा आने का उद्देश्य ये है कि नया चेहरा नया निर्माण, दुमराव का विकास के लिए नया चेहरा ज़रूरी है। 5 साल का काम 2 साल में भी हो सकता है, ये लोग 10 साल लगा लेते हैं, 12 साल लगा लेते हैं, कुछ काम ही नहीं दिखता है। कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए डुमराव के लिए, कौन सा कुछ दिमाग में चलता होगा जिसके लिए मैं महत्वपूर्ण काम करूंगा? पहले तो समस्या कौन है, सबको ठीक करना है। आप शिक्षा का समस्या ले लीजिए, रोड का समस्या ले लीजिए, चिकित्सा का समस्या ले लीजिए। आपके पूर्वजों ने शिक्षा में बहुत काम किया, क्या शिक्षा में विशेष फोकस रहेगा? शिक्षा में हमारा पूरा फोकस रहेगा, जब तक हमारे परिवार के अंदर राज हाई स्कूल, महारानी उषा रानी, महाराजा कॉलेज, जो भी स्कूल थे तब तो शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी थी। अब जब से सरकार ले चुकी है तब से शिक्षा एकदम खत्म हो चुका है, टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है, गांव-गांव में जाइए, जल नल योजना लग चुका है, रोड उखाड़ के छोड़ दिया गया है, रोड का तो निर्माण हो नहीं रहा। साल में 2 बार रोड निर्माण के नाली निर्माण के फंड आएगा, 20-20 लाख रुपये आता है रोड का, 6 लाख हर 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, पब्लिक में तो नहीं आ रहा है। ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू आना चाहिए, धरातल में तो काम नहीं हो रहा है ना, इसीलिए युवा को हमें एक चेंज की जरूरत है। थैंक यू सर।